दोस्तों तो हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है और आज है जन्माष्टमी। तो सबसे पहले जन्माष्टमी की आप लोगों को ढेर सारी बधाई। डार्लिंग अभी आइए, हैप्पी जन्माष्टमी। और आज हम लोग दोनों का है जन्माष्टमी का व्रत, तो हम लोग आज क्या तैयारी करेंगे और क्या वही है ना। तो दोस्तों तो अब हम लोग सुबह से अब लगने वाले हैं उसकी तैयारी में, सजावट की तैयारी में, घर क्लीनिंग में। तो आप लोग के साथ हर चीज शेयर करना तो बनता है, तो हम लोग काम पे लगते हैं और आपको हर चीज दिखाते हैं। तो मिलते हैं काम के दौरान, है ना। को पूरा फुटेज में हो करते हुए। सकते हैं लग गया है शाही बेड। देख सकते हैं काम करते करते कैसे सोया जा रहा है हीरोइन। कंप्लीट नहीं करना है काम, करेंगे आराम कर रहे थे। उठो उठो चलो, उठेंगे। पूरा काम देखिए आधे पे छोड़ के और सो गए। और ये बगल में कुकी भी आराम से सो गई है पूंछ हिलाते हिलाते। हम भी आते हैं पर साथ में। तो देखिए आप लोग सज गया है, अब धीरे धीरे इसको लगा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग का सजाने का काम हो चुका है, फटाफट हम लोग को नहाना है, खाने की तैयारी करनी है, फलारी बनाने की तैयारी करनी है, तब उसमें लगेंगे। तो हम लोग जाते हैं, बाकी काम में लगते हैं, फिर जैसा होगा तब आपको दिखाते जाएंगे, आपसे मिलते जाएंगे। We'll be right back.
है कुकी का दोस्त। तो देख सकते हैं छोटे कन्हैया लाल पधारे हैं घर में। स्माइल कर दो बेटा, स्माइल कर दो, हंस दो, नहीं हंसना, हम छोटे कन्हैया लग रहे हो आप। स्माइल कर दो, ऐसे ऐसा हंस दो। अच्छा हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो। तो फाइनली हम लोग तैयार हो चुके हैं और जा रहे हैं थोड़ा मंदिर घूमने। बगल में बहुत धूम धड़ाका हो रहा है, तो देख के आते हैं वहाँ पे। अभी क्या था, टाइम भी है, तो सोच रहे कि हम लोग का सारा काम हो चुका है, फिनिश हो चुका है, तो भी थोड़ा बहुत टाइम बचा है, तो फटाक से मंदिर के दर्शन करके आते हैं, वहाँ पे घूम के आते हैं, फिर घर की पूजा शुरू करेंगे। तो मिलते हैं बाद में। यहाँ पे कुछ मिल रहा था, तो हम लोग तो नहीं खा सकते क्योंकि व्रत है, तो प्रसाद कुकी को थोड़ा खिला देते हैं। हाँ अरे ओके, ज्यादा खिलाने की जरूरत नहीं क्योंकि जैसे जाने से पहले हम उसको एक केला पर खिला के गए थे, तो प्रसाद के रूप में थोड़ा सा दे देते हैं। और काफी भीड़ थी और मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, मेरा तो बिल्कुल भी, मुझे तो बिल्कुल अच्छे दम घुट रहा था। वहाँ पर कोई खास व्यवस्था नहीं, बस कार्यक्रम हो रहा था, बस अपने में ही हो रहा था, दो चार लोग बैठ गए थे सामने, मुझे तो मज़ा नहीं आया। तो अच्छा लगता तो ज़्यादा देर और रुकते, मैं वहाँ पे गई, बस थोड़ा दर्शन किए, फटफट वो भगवान जी को झूला चढ़ाया, प्रसाद लिए, फटाक से आ गए। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं किया, मेरे को जमा नहीं वो है दोस्तों। तो दोस्तों हम आराम से बैठते हैं, फिर अब 12 बजने का इंतजार करेंगे, जैसे 12 बजता है तो पूजा करेंगे, फिर आप लोग को दिखाएंगे। छन चुकी है, तो टाइम भी हो गया, तो फटाफट बिना देर के हम पूजा शुरू करते हैं, भगवान जी का न्यू ड्रेस वगैरह पहनाते हैं, तो फिर जो भी होता है फिर आपको दिखाते हैं। खत्म हो चुकी है, पूजा हो गई है, तो अब हम लोग का भी टाइम है, भगवान को तो भोग लगा दिया, अब हम लोग का भी टाइम है कि हम लोग भी खाएं। तो दोस्तों तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, आई होप कि मैं ब्लॉग आप लोगों को पसंद आते होंगी।
अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तब हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। ये धुआं के कारण हो रहा है ना ऐसा? हाँ, धुआं के कारण ऐसा हो रहा है। आपको भगवान की कृपा बनी रहे।